बाहर निकल, बाहर निकल तू। एक मिनट, एक मिनट। हाँ बोल, क्या बात है? दिखाई नहीं देता, गाड़ी आंख बंद करके चलाते हो, क्या कर लेगा तू? अरे छोड़ो यार वो लड़की। फोन करना। हाँ कीजिए ना। पैसे नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, चलेगा। चलो हटिए, हटिए, क्या तमाशा लगा रहा है यहाँ पे? चलो काजल, जरा ये चाकू प्यार से ले लो, होशियारी से, कहीं हमला ना कर। लाओ चाकू, मुझे दे दो। तो कौन हो तुम है? और ये फोन कहां से लगा है? काजू जरा पानी वानी पिलाओ इसे। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों में से कोई इसे पहचानता है? नहीं सर, हम तो इस एरिया में पहली बार देख रहे हैं इस लड़की को। किसका खून किया इसने? पता नहीं सर, ये तो इस तरफ से आ रही थी खून में लगभग, और उसके हाथ में चाकू देख के सर हम अपनी लड़ाई भूल गए थे। अपनी लड़ाई मतलब? सर इन्होंने अपनी कार से मेरी बाइक को टक्कर मार दी थी। देखिए ना सर, मेरे हाथ में हल्की सी खरोच भी आई है। हमारा झगड़ा चल ही रहा था कि हमने इसे यहाँ से आते हुए देखा, और सर उसके हाथ में चाकू देख के मेरे तो होश ही उड़ गए थे सर। झगड़ा करते वक्त होश नहीं उड़े थे तुम्हारे? सर वो क्या पता चला? नहीं सर, ये तो कह रहे हैं कि ये लड़की यहाँ से भागती हुई आई, उसके हाथ में चाकू था। कोई जानता नहीं सर? नहीं सर। क्या हुआ था? मैंने किसी को खून किया। क्या? किसका, किसका खून किया? नहीं मालूम। ये कैसे हो सकता है? तुमने खून किया और तुम्हें मालूम नहीं है? नहीं मालूम, बस इतना पता है कि खून किया, लेकिन ये नहीं मालूम कि किसका खून किया। सर मैंने तो सुना है कि खून करने के बाद कभी कभी याददाश्त चली जाती है, मगर यहाँ तो आंखों के सामने दिख रहा है। अगर मुझे आप लोगों से झूठ बोलना होता तो मैं आपको फोन करके यहाँ नहीं बुलाती। चलो मान लिया, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि किसका खून किया है ये तुम्हें पता नहीं? तुम्हारे हाथ में चाकू है, तुमने जिसको मारा होगा उसको देखा तो होगा ना? नहीं। अंधेरे में खून किया क्या? रात को मारा किसी को? मैं तो अपने घर में सोई थी, और जब होश आया तो जंगल में पड़ी हुई थी। मेरे कपड़ों पर खून लगाए और हाथ में वो चाकू था। जंगल में कैसे पहुंची ये तो याद होगा? नहीं। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम सच बोल रही हो कि झूठ। ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में सोई और उठी जंगल में? चलो वो जगह दिखाओ जहां पे तुम कहती हो कि तुम्हें होश आया था। यही वो जगह
मैं यहीं से बाहर आई थी। यही वो जगह है जहां पे मैं बेहोश थी। ये क्या है? सर यहाँ देखिए, ये देखिए सर, ये खून, खून, खून यहाँ है, तो लाश भी आसपास होगी। देखो सर, इसे कोई जानी पहचानी आवाज है, सर वहाँ से आ रही आवाज। चलो देखें जरा। सर लगता अभी भी जिंदा है। दो मिनट में मर थोड़ी ना जाएगा। बेटे बाहर निकलो। उठो। क्या कर रहे थे अंदर? मुझे लगा खून के धब्बे हैं। मैं जैसे गड्ढे में झांकने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सर मैं गिर गया गड्ढे में। सर आंखों के सामने अंधेरा नहीं छा गया, ये पत्ते छा गए। तुमने तो कहा था कि तुमने खून किया है। कहाँ है लाश? लाश कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर, इतना घना जंगल है, हो सकता है कोई जानवर उठा के ले गया हो। काजल अगर जानवर भी ले जाता तो कहीं ना कहीं घसीटने के निशान होते ना, और कहीं भी खून मिलना चाहिए। से तो बेहोश हो गई है। सो जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो, जब होश में आएगी तो पूछताछ करेंगे। ईशा को अपना नाम मालूम है, उसका घर का पता मालूम है, उसने वो खून कहाँ किया वो जगह मालूम है, मगर वो लाश कहाँ गई उसे याद नहीं। सो हो सकता है वो छुपाने की कोशिश कर रही हो। चलो अगर हम ये भी मान ले कि वो सच बोल रही है, तो वो जगह जहां पे वो होश में आई, वो जगह उसके घर से करीब 2 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर वहां वो पहुंची कैसे होगी? सो उसके पांव को देखकर तो नहीं ऐसा लग रहा था कि वो इतनी दूर चलकर गई होगी। कार से गई होगी सर, खून किया और लाश को कहीं फेंक के सियाड़ी को खून कर दिया। सर सर मैंने जंगल का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन लाश का कहीं नामो निशान नहीं मिला। शीशा के घर चलते हैं, शायद वहां कुछ पता चल जाए। बेटा ईशा से बात हुई? उसका फोन बंद आ रहा है। अमित क्या हुआ, ईशा का पता चला? नहीं, सब जगह ढूंढा उसे, उसके दोस्तों में भी पता किया, पर कहीं भी नहीं है वो। अरे यार कुछ करो अमित, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना वो, ढूंढो उसे। अरे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, पर ईशा का कहीं भी कुछ पता नहीं चला। शायद हमें पता है। क्या? जिसे तुम लोग ढूंढे हो शायद उसके बारे में हम लोग को पता है। लेकिन आप लोग कौन है? सीआईडी से हैं। सीआईडी? आप लोग यहाँ? क्या बात होगी साहब? ये भी पता चल जाएगा। आप लोग ईशा को ढूंढ रहे हैं ना? हाँ, पर वो है कहाँ? पहले ये बताइए आप लोग कौन हैं? मैं धर्म हूँ, ईशा का अंकल। ये मेरा बेटा ऋषभ और ये ईशा का बॉयफ्रेंड अमित। और ये कौन है? साहब मैं रूपाली, यहाँ पर काम करती हूँ। कब से गायब है ईशा? कल रात तो ठीक ठाक अपने कमरे में सोने के लिए गई थी, सुबह देखा तो गायब थी।
पता नहीं कहाँ चली गई। हम लोग तो सुबह से ही परेशान हैं। ईशा हमारे पास है, उसने किसी का खून कर दिया। खून? ईशा ने किसी का खून किया? लेकिन किसका? यही पता लगाने की कोशिश तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि ईशा को अभी कुछ याद नहीं। आप में से किसी को पता है कि ईशा ने किसका खून किया होगा? नहीं नहीं सर, हमें कैसे मालूम होगा, हमें कुछ नहीं पता। कमाल है, एक लड़की यहाँ से निकल के जंगल में पहुंचती है, वहां पे किसी का खून कर देती है और घर वालों को कुछ मालूम ही नहीं है। सर हमें खुद इस बात की हैरानी हो रही है कि ईशा जंगल में कैसे पहुंच गई। कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। ये ईशा का कमरा कौन सा है, कहां पे सोई हुई थी वो? इधर आइए। इस घर को, कमरे की एक एक चीज को अच्छी तरह से चेक करता है। ये सैंडल ईशा का ही है ना? हाँ सर। इस कमरे को देखकर तो लगता है कि यहाँ पर कोई हाथापाई नहीं हुई है, और चप्पल भी अपनी जगह पर पड़ी है। ऐसा तो नहीं कि ईशा को नींद में चलने की कोई बीमारी हो? हो सकता है ईशा को कोई बीमारी थी क्या नींद में चलने की? उसे तो ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। कोई बीमारी नहीं थी, ये भी हो सकता है कि किसी ने उसे कोई नशीली दवाई दी हो जिसकी वजह से उसे कुछ याद नहीं रहता। अगर किसी ने उसे नशीली दवाई दी है तो डॉक्टर सालुन के पता लगा सकते हैं। फोन करके बोल दो डॉक्टर सालुन के पास। कौन भी समझता है खून यहाँ पे कैसे है? हमें नहीं पता सर, हम लोग तो इसे अभी देख रहे हैं। हमें पता नहीं कहने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे इस घर में कुछ तो हुआ है जो आप लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप हमारा यकीन कीजिए, हम लोग आपसे कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं। सर ये लोग वाकई में झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए ये फावड़ा मिला है, इसकी मट्टी देखिए। मुझे देख के लगता है कि एक दो दिन पहले ही इसे कोई खुदाई की गई। चलो बाहर चल के देखते कहीं खुदाई हुई क्या। आइए। देखो जरा आसपास, सड़क के जगह पे कुछ दिन पहले खुदाई हुई है। हाँ सर, यहाँ की मिट्टी ढीली है। सर यहीं पे खुदाई करके देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। सर गड्ढे में तो लाश है सर, ना जाने कितने दिनों से ये लाश अंदर दबी हुई है, कब आ रही है। सर शायद ये वही लाश है सर जिसकी हमें तलाश थी, ईशा ने इसी मारे है सर। आइए सब यहाँ, कहाँ से आई ये लाश? सर आप उसे चाहे जो भी समझे, लेकिन वाकई में हमें इस लाश के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ये लाश कहाँ से आई, कौन लाया, कुछ भी नहीं मालूम। देखा सर, इनके पास कोई जवाब नहीं सिवाय इसके के कुछ नहीं पता और कुछ नहीं मालूम। जब जेल जाएंगे सारे के सारे तो सब असलियत बाहर आ जाएगी। सचिन लाश को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। अच्छा बहुत चुपचाप है, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे। आपको पता है जब आप कुछ भी नहीं बोलते ना तो मुझे बहुत अजीब लगता है। क्या फायदा है तुमसे बात करने से? क्यों? तुम्हारा क्या भरोसा है, बिना बताए कहीं भी गायब हो जाती हो, भरोसा है कुछ? क्या है ना कि कुछ पर्सनल काम था, अर्जेंट, इस वजह से जाना पड़ा बिना आपको बताए। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, लेकिन हाँ हर रोज मैं आपको याद किया करती थी। हाँ भाई
अच्छा आप बता दीजिए, इतने दिनों में आपको मेरी याद कितनी बार आई? याद तो ये हर रोज करते थे, कभी बताया नहीं। ओफो, गुड टू सी यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड। अच्छा ये बताइए, ईशा का खून चेक किया आपने? उसमें कुछ ड्रग्स वगैरह मिले क्या? नहीं अभी, उसका खून बिल्कुल साफ है। एक बात और, बस ईशा ने जिस आदमी का खून किया था वो ये आदमी नहीं है। ये वो नहीं है ना? लेकिन डॉक्टर साहब, इसकी लाश हमें ईशा के घर के बगीचे में मिली है। लाश कहीं से भी मिली हो अभिजीत, एक बात पक्की है, इस आदमी की मौत हुए 2 दिन हो गए। इसका खून 2 दिन पहले हुआ है? बिल्कुल। और ईशा के कपड़ों पे ताजा खून लगा हुआ था, इसका मतलब उसने खून 1-2 घंटे पहले किया होगा। और अभिजीत, ईशा के कपड़ों पर जो खून लगा हुआ था वो भी इस आदमी का नहीं है। मतलब ईशा ने किसी और का भी खून किया? शायद। तो कमाल होगी, एक लाश की तलाश में निकले थे वो तो मिली नहीं और दूसरी लाश मिल गई। ये लाश किसकी है? अबे तो वो लड़की ही बता सकती है बॉस, तो इस आदमी का खून किया। क्या मालूम डॉक्टर साहब उसने खून किया भी है कि नहीं किया है। अभिजीत, इस आदमी के शरीर पर जो आप घाव देख रहे हैं, मतलब हो सकता है कि ये खून उस लड़की ने किया हो सकता है। काजल जरा ईशा को लेके आओ। अच्छा डॉक्टर साहब, उस फावड़े का क्या हुआ? उस पे किसी के उंगलियों के निशान मिले? मिले हैं दया, उस फावड़े पर भी ईशा की ही उंगलियों के निशान है। ईशा जरा गौर से देखो इस आदमी को, इसे पहचानती हो तुम? देखो देखो, ध्यान से देखो। नहीं, मैं नहीं पहचानती इसको, कौन है ये? ऐसा कैसे हो सकता है सर? खून जिस चाकू से हुआ है वो इसके पास था, फावड़े पे इसी के उंगलियों के निशान मिले हैं, लाश भी इसी के घर में से मिली है, तो फिर ये इसे किसे नहीं जानती? लाश क्या खुद चल के आई इसके घर में? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं मालूम। जब मैं सुबह उठी थी तो इसकी लाश मेरे कमरे में थी और मेरे हाथ में वो चाकू। मैं बहुत डर गई थी इसलिए मैंने इसको अपने बगीचे में काट दिया। और मैंने इसको क्यों मारा मुझे कुछ नहीं मालूम है। ठीक है काजल, लेके जाओ इसे। जब तक ये पता नहीं चलता ये आदमी कौन है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक काम करते हैं, इस आदमी की फोटो सब न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर में देते हैं, कोई ना कोई तो पहचानेगा इसे। वॉकर, आइए आइए सर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आपने फोन पे बताया, क्या आप इसे जानते हैं? हाँ सर, ये मेरा दोस्त हरीश है, पिछले 2 दिनों से गायब था। मगर इसकी मौत कैसे हुई? हम लोग भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा ये फोटो देखिए, इस लड़की को जानते हैं? इस लड़की को मैं जानता तो नहीं, मगर कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है तुमने? सर ये तो वही लड़की है जो हमें डिस्को में मिली थी। लड़की डिस्को में मिली थी? हाँ सर, 2 दिन पहले मैं और हरीश ऑफिस से निकल के डिस्को गए थे, ये लड़की हमें वहीं मिली थी। हरीश इससे बात करना चाहता था मगर इस लड़की ने मना कर दिया। सर लगता है ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? सर उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे पहले से जानते हो। फिर लड़की ने थप्पड़ भी मारा था उसको। थप्पड़ मारा? हाँ सर, फिर वहां से मैं खिसक गया। अच्छा, और ये हरीश वहीं पे था जब तुम वहां से निकले? सर वो पीने के मूड में था इसलिए वहीं रुक गया, और उसके बाद से वो गायब है। सर ईशा ने हरीश को मारा सर? ये लड़की कुछ गड़बड़ है, इस लड़की ने हमसे झूठ बोला है, कुछ तो है जो ये हमसे छुपा रही है। आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरे कपड़ों पे खून लगा है। प्लीज छोड़ो मुझे। प्लीज शांत हो जाओ ईशा, मैं कह रहा हूँ ना कहीं खून नहीं है। डॉक्टर है। अच्छा बताओ कहाँ है खून, बताओ। छोड़ो मुझे। देखो अगर तुमने चिल्लाना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा दूंगा। नहीं डॉक्टर, इन्हें इंजेक्शन मत लगाओ, इनका होश में रहना बहुत जरूरी है, हमें इनसे कुछ पूछताछ करनी है।
लेकिन सर इस हालत में पूछताछ करना ठीक नहीं है। जो भी हो पूछताछ तो करनी पड़ेगी। नहीं मैं नहीं जानती इसको। इसका नाम हरीश है। एक डिस्को में मिली थी आप इससे और आपने इसका खून कर दिया। क्यों किया? वजह क्या थी? लेकिन मैं तो इसको जानती तक नहीं हूँ। तुम इस आदमी को डिस्को में मिली थी हम जानते हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे। मैं मिली थी इसको डिस्को में लेकिन मैं नहीं जानती है कौन है। तो फिर थप्पड़ किस बात के लिए मारा था इसे? ये मुझसे डांस करने के लिए कह रहा था। मैंने मना किया इसको। तो खून किस बात पे हुआ था इसका? मैं नहीं जानती। मैं कुछ नहीं जानती। हाँ वे बोलो क्या? एक आदमी के मिसिंग होने की रिपोर्ट मिली है। कौन है ये? लूम्बा कहाँ गया था? फार्म हाउस पे। ओके क्या नाम क्या इस फार्म हाउस का? एक मिनट सर, ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप जरा नक्शा बनवा देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। काजल जरा पेन और पैड। जी बोलिए भाई साहब। हम लोग हैं अभी इस वक्त अप्पा साहेब रोड पर। हाँ हाँ मेन रोड पे ही है। ये मिर्चों की सिग्नल के पास में बाई तरफ 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड पे है। हाँ ये रोड तो सुंदरनगर की तरफ जाता है। ओके ओके थैंक यू सो मच। सचिन ये आगे सिग्नल से लेफ्ट जाना है हमें। लेफ्ट जाके करीब 5 किलोमीटर के बाद लेफ्ट साइड पे ये फार्म हाउस है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये लुम्बा फार्म हाउस पे करने क्या गया था? वो ये फार्म हाउस खरीदना चाहता था इसलिए देखने गया था, ऐसा उसके घर वाले बता रहे हैं। सर अगर लुम्बा फार्म हाउस देखने गया था तो वहीं क्यों रह गया? उसे वापस आना चाहिए था। फॉरेस्ट ऑफिसर बता रहा है कि ये फार्म हाउस जंगल के बहुत पास में है और जंगली जानवर बाहर आते रहते हैं। सर ये तो वही जगह है जहाँ पे ईशा खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लुम्बा का गायब होना और ईशा का जंगल में ही बेहोश होना ये दोनों चीज अलग अलग नहीं है, आपस में जुड़ी हुई है। ऐसा लगता है यहाँ कोई रहता ही नहीं। एक काम करो अंदर जाके देखो। धमाल के सचिन तो वो देखिए वो कार, ये तो लूमा की है। ये तो वही नंबर है सर। देखो जान लो ड्राइवर सीट पर आसपास खून लगा हुआ है, किसी ने खून तो नहीं कर दिया लूमा का? बालों में लगाने वाले बीट्स ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे इसे ईशा पहनती है। गाड़ी तो लूंगा की है। सर हाँ काजल यहाँ ही सर, ये देखिए सर बटो से संभाल के। सर ये ईशा भी पास के जंगल में ही पड़ी हुई थी जब उसकी आंखें खुली। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसे भी ईशा ही नहीं मारा हो? मुझे भी वही लग रहा है। कार में भी बालों में लगाने वाला बीट्स मिला है। मगर सर ये लाश यहाँ पर लाकर कैसे डाली होगी? यहाँ पर ना ही घसीटने के कोई निशान है और ना ही खून होने का कोई निशान। ईशा के कपड़ों में जो खून लगा है वो इस लाश का है या नहीं जब ये पता चलेगा तभी कुछ कह सकते हैं।
एक काम करते हैं, लाश को फॉरेंसिक लैब लाते हैं और देखते हैं आसपास कुछ मिलता है क्या। इन दोनों आदमियों का खून इस एक चाकू से हुआ है। मतलब चाकू एक है और खून करने के तरीके दो। बिल्कुल, देखो ये दरअसल हुआ ये होगा कि ईशा ने इस आदमी को पीछे से पकड़ा होगा, चाकू उसकी गर्दन पे रखा होगा और खींच दिया होगा। डरो मत, डरो मत फ्रेडी, कुछ नहीं होगा। दरअसल हुआ ये होगा कि ईशा ने ऐसे उस आदमी को पीछे से पकड़ा होगा, गर्दन पे चाकू रखा और आदमी की मौत हो गई वहीं की वहीं। फिर लाश को वहां फार्म हाउस में जाके फेंक दिया। मगर सर हमें फार्म हाउस में लाश को घसीटने का कोई निशान नहीं मिला, सिर्फ पैरों के निशान मिले। दया मुझे लगता है कि लाश को घसीटा नहीं गया, उठा के वहां ले गए और फेंक दिया। ये लाश का वजन कितना है? 90 किलो। दया आज ईशा एक और खून करने वाली है। क्या बात कर रहे हो जी, वो तो हमारी हिरासत में, उसका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। वो खून हॉस्पिटल में ही करेगी दया, तुम्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। फ्रेडी तुम कमरे के अंदर जाओ और ठीक है दरवाजे के सामने खड़े रहना, हिलना नहीं वहां से। वैसे भी डॉक्टर कह रहा है कि उसने नींद की दवाई दी है ईशा को। यस सर। जैसे वो नींद से उठे और बाहर निकलने की कोशिश करे उसे आने मत देना, समझे? ओके। क्या ओके को समझ में आया? यहां से जाने नहीं देना और ये चाकू रखना उसके पास। हमें देखना है कि नींद में सोने के बाद वो किसी का खून कर सकती है क्या। इस चाकू से उसने मुझे मार दिया तो? फ्रेडी तुम्हारी चमड़ी इतनी मोटी है ये चाकू अंदर घुसेगा नहीं। सर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे बलि का बकरा मत बनाइए सर। यार फ्रेडी मैं हूं ना, घबराने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा ठीक है। ईशा नींद में चल रही है, इसलिए अभिजीत कल हमसे कह रहा था कि हॉस्पिटल चलना पड़ेगा।
मुझे नहीं लगता फ्रेडी खून इसने किया है। वो कैसे? फ्रेडी अगर ऐसा होता तो सबसे पहले नींद में से उठने के बाद वो इस चाकू से तुम पर हमला करती, और उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और दूसरी बात ये, जो लड़की लूम्बा की लाश को उठा के गाड़ी में इतनी दूर ले जा सकती है, वो तुम्हें रास्ते से आसानी से हटा सकती है। ये बात तो है सर, इसने मुझे रास्ते में से हटाने की बहुत कोशिश की मगर हटा नहीं सकी। मतलब खूनी कोई और है जो इसके नींद में चलने का फायदा उठा रहा है। फिर तो सर इसके घर वाले झूठ बोल रहे हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है मगर अनजान बन रहे। चलो इसके घर वालों से एक बार फिर पूछताछ करते हैं। हम लोग यहाँ पे ये बताने आए हैं कि ईशा ने खून नहीं किया। थैंक गॉड। ऑफिसर मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि ईशा ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर ईशा ऐसा नहीं कर सकती तो कौन ऐसा कर सकता है? ये तो पता होगा आप लोगों को कि खून किसने किया है। नहीं सर, हमारी तो खुद की रातों की नींद ये सोच सोच के उड़ चुकी है आखिर खून किया तो किया किसने है? अभी तो सिर्फ रातों की नींद उड़ गई है, अब दिन का आराम भी गायब होने वाला है। क्या मतलब सर? मतलब असली खूनी कौन है ये हमें पता चल गया है। क्या, कौन है वो खूनी? खूनी तुम में से कोई है। ऑफिसर कैसी बात कर रहे हैं आप, भला हम लोग किसी का खून क्यों करेंगे? ये बात तो आपको हमें बतानी चाहिए। लेकिन जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं तो हम क्या बताएं? ठीक है, ये इस फोटो को ध्यान से देखिए, पहचानते हैं इसे आप? आप लोग देखिए, मगर ईशा एक डिस्को में गई थी, वहां उसका झगड़ा इसके साथ हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में से कोई इसे जानता हो? नहीं सर, हम इसे नहीं पहचानते। सर सबके सब मिले हुए हैं, जानते होंगे तब भी नहीं बताएंगे। जितना चाहे छुपा लो, नहीं बचोगे। इसलिए भला इसी में होगी कि अभी भी वक्त है, बता दो सच्चाई क्या है इन दो खून की? चुप रहने से काम नहीं चलेगा, चुप रहने से तुम लोग अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। बहुत जल्दी पता चलने वाला है कि कौन फंसाना चाहता था। लेकिन सर ईशा को कौन फंसाना चाहेगा? तुम? मैं? तुम्हारे खिलाफ ईशा ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई थी चोरी की। अब एकदम झूठी रिपोर्ट थी सर, एकदम झूठी, और वो पैसा तो बाद में वापस भी मिल गया था। हाँ तो फिर धर्म साहब आप होंगे? मैं? हाँ, ईशा ने आपको धमकी दी थी घर से निकलने की, पड़ोसी ने बताया। आप कैसी बात कर रहे हैं ऑफिसर? अरे ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो घर में हमेशा होते ही रहते हैं, अब उसके लिए मैं ईशा को खून के इल्जाम में फंसा दूंगा? बिल्कुल गलत बात है ये, ईशा तो मेरे लिए मेरे बेटे ऋषभ की जैसी है। तो फिर ये अमित यही फंसाना चाहता होगा। मैं क्यों फंसाना चाहूंगा? मैं तो उससे प्यार करता हूँ और शादी करने वाला हूँ। हर आदमी के पास बहाना तैयार है। कब तक चलेगी इनकी बहाने की दुकान? बहुत जल्द ताला लगने वाला है इस दुकान को। एक मौका और देता हूँ, अपने आप बता दो वरना। इन पे नजर रखो, जिसका भी हाथ है इन दोनों खून में कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। तब तक लूम्बा के फार्म हाउस जाके फिर से चेक करते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। ईशा के बालों वाले बीट्स हमें यहाँ इस सीट पे मिला था, इसका मतलब ईशा यहाँ आगे बैठी थी। सर अगर ईशा यहाँ पे आगे बैठी थी तो पीछे से खून किया किसने लूम्बा का? हाँ सर, डॉक्टर सालुंके ने तो कहा था कि खूनी ने पीछे से वार किया था गले पे। हाँ काजल, खूनी कोई और ही है जो यहाँ यहाँ पीछे बैठा था। सचिन, यहाँ पे जो जूते का निशान है वो काफी चौड़ा है और आगे जो निशान है वो काफी पतले हैं। सर इसका मतलब वो कोई आदमी है जिसने बड़ी आसानी से खून किया, लूम्बा का और ले आकर वहां पे फेंक दिया। पर सर वो है कौन? ये जो कोई भी है अच्छी प्लानिंग के साथ खून किया इसने, खून करे वो और फंसे ईशा। वहां जंगल में चल के देखते हैं जहां पे ईशा को होश आया था, शायद वहां पे कोई सुराग मिल जाए कि ईशा को भी वहां जंगल में कोई ना कोई तो लेके गया था।
खून का निशान? ये निशान यहाँ पे कैसे आया? एक काम करो राजू, ये खून के नमूने उठा लो, डॉक्टर सालून के इस खून से हमें कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे। तब तक मैं आसपास देखता हूँ, कुछ मिलता है क्या। कुछ मिला? हाँ काजल, ये देखो, लगता है ये कफलिंग खूनी का ही है। ये आप लोगों का इस तरह बार बार पूछताछ के लिए आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने खून किया है तो मुझे फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा देते आप लोग? ईशा, तुम खुद हमारे पास आई थी कि तुम्हारे हाथों में खून हो गया। खैर, हमें पता चल गया है कि खून तुमने नहीं किया। क्या? तो फिर किसने किया है खून? उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन हमें उसकी एक चीज मिली है। क्या चीज मिली आपको? ये कफलिंग। पहचानती हो इसे? ये? क्या हुआ, तुम पहचानती हो उसे? नहीं हो सकता, वो खूनी नहीं हो सकता। कौन खूनी नहीं हो सकता? तुम पहचानती हो उसे? किसका ये कफलिंग? लोग यहां क्यों? हैरानी हो रही है ना? अरे हैरानी वैरानी की बात छोड़ो, हैरानी की तो बात मत करो। तुम लोगों की आवाज सुनकर मैं तो डर गया था, मुझे लगा कहीं सीआईडी तो नहीं आ गई ढूंढते ढूंढते। अच्छा, तो तू सीआईडी के डर से भागने की तैयारी कर रहा है? हाँ, सीआईडी के डर से भाग रहा हूं। खुश? अरे अच्छे अच्छे भागते सीआईडी के डर से तो मैं क्या चीज हूं? और हो सके तो तुम दोनों भी जल्दी से जल्दी कहीं निकल जाओ जब तक मामला ठंडा न पड़ जाए। अरे यार, हमें भागने की क्या जरूरत है? खून हमने थोड़े ना किया है, खून तो तूने किया है। सीआईडी तुझे पकड़ेगी, हमें नहीं, समझा? हाँ, लेकिन तुम लोगों के बोलने पे ही तो किया है ना। क्या? अरे हमने तुझे कब खून करने के लिए कहा? हाँ बता, कब कहा? तुम लोग मुझे फंसाने वाले हो क्या? एक बात तो है, जिस मेहनत और बहादुरी से तूने काम को अंजाम दिया ना, वो तो काबिले तारीफ है। मगर सीआईडी वालों को ये कभी पता नहीं चलेगा कि ये काम करने के लिए हमने तुझे कहा था। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं फंस गया ना तो तुम दोनों का नाम जरूर लूंगा। अरे नाम तो तू तब लेगा ना जब तुम मुंह खोलने के लिए बचेगा। अरे सुनो, मेरी बात सुनो, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? मैंने तुम लोगों का साथ दिया और तुम मुझे ही मार रहे हो। अबे तो तेरे जिंदा रहने से भी तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। देखो देखो, ऐसा मत करो। एक इलाज है मेरे पास, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम लोग मेरी बात मान लो, तुम दोनों भी मेरे साथ भाग चलो। जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा तो हम लोग वापस आ जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे सीआईडी वालों की नाक और एक कुत्ते की नाक में कोई फर्क नहीं है। तू अगर जमीन के अंदर भी छिप जाएगा ना तो भी वो तुझे वहां से ढूंढ निकालेंगे, समझा? अब डायलॉगबाजी बंद कीजिए, इसका काम तमाम करते हैं और जल्दी यहां से निकलते हैं। हाँ ठीक है। मैं तुम लोगों से वादा करता हूं कि अगर मैं पकड़ा भी गया ना
तो मैं तुम लोगों का नाम नहीं बताऊंगा। मेरा मेरा विश्वास करो। नहीं मैं ऋषभ शूट नहीं, 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 प्लीज मेरा यकीन करो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जिंदा रख के हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तुम्हें मरना होगा, मरना होगा तुम्हें। ये गोली किसने चलाई? यहां तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। कुछ गड़बड़ जरूर है। जल्दी निकल यहां से, जल्दी निकल, चलते। इसके पहले कभी भागे हो? नहीं। कभी मैराथन वगैरह में भागने की सोची? नहीं। तो फिर आज कैसे भाग जाओगे? सर हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। जो कुछ किया हमने किया है। हम लोग तुझे पकड़ने के लिए आए थे। अच्छा अच्छा, तो आप लोग कानून की मदद कर रहे थे? हाँ हाँ सर, हमने सोचा कि अमित को पकड़ के आपके पास लेकर आ जाएंगे। झूठ बोल रहे हैं ये लोग, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। ये मुझे भी मारने वाले थे, इनकी चाल है। छोड़ो, छोड़ो, अजी अजीब बात है। हम लोगों ने मदद की और हमें भी पकड़ रहे हो। ओ पहलवान जी, मेरा गला तो छोड़ दो आप। छोड़ दो। खून तो इसने किया था अमित ने, हमने तो सिर्फ इसे करने के लिए कहा था। इन लोगों ने मुझे फंसाया, मेरा मुंह पैसों से बंद कर दिया। क्यों करवाया खून? जायदाद के लालच में, जायदाद के लालच में अंधा हो गया था। ईशा बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की मालिक है, अगर वो रोज पानी की तरह पैसा बहाए तो भी दो जन्म तक वो पैसा खर्च नहीं होगा। और वो जायदाद तुम लोगों को चाहिए थी, इसीलिए मैंने अमित को पैसे का लालच देकर खून करने के लिए कहा। और पहला खून तुमने हरीश का किया है ना? हाँ सर, हरीश से मेरी मुलाकात एक बार में हुई, वहां मैंने उससे दोस्ती की और उसे ईशा के घर ले आया, और वहां लाकर मैंने उसका खून कर दिया। फिर क्या हुआ? हरीश को मारने के बाद मैंने उसकी लाश को ले जाकर ईशा के पास रख दिया। क्यों? हमने प्लान बनाया था सर, अगर उस लाश को हम ईशा के पास रख देंगे तो ईशा को लगेगा कि ये खून उसी ने किया है, और दो तीन बार ऐसा करेंगे तो ईशा पागल हो जाएगी। उसके बाद वो हॉस्पिटल में और सारी की सारी जायदाद तुम्हारी है ना? मगर जागने के बाद ईशा ने जब लाश देखी तो उसने मुझे फोन किया मदद के लिए। और तुमने वो लाश बगीचे में गाड़ दी? हाँ सर। ऐसा ही सब कुछ नहीं होता इस दुनिया में, रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत ये भी कोई चीज है। तुम लोगों ने दो दो खून किए, एक मासूम लड़की को पागल बनाने की कोशिश की, तुम्हें तो यहां भी सजा मिलेगी और वहां भी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।